नमस्कार दोस्तों, मुंबई लोकल ट्रेन की ताज़ा खबर की बात करें तो अभी भी बिना शर्तों के लोकल ट्रेन में अनुमति नहीं है। यहां तक कि सिंगल डोज वाले को ना तो सिंगल टिकट की सुविधा दी जा रही है, ना ही किसी तरीके का पास दिया जा रहा है। मुंबई लोकल ट्रेन में सिर्फ दो डोज वाले के ही, जिनका 14 दिन पूरा हो चुका है, उनके ही मुंबई लोकल ट्रेन में सिंगल टिकट की सुविधा दी जा रही है और उन्हीं लोग को मुंबई लोकल ट्रेन में अनुमति मिल रही है। दोस्तों, अभी भी सिंगल डोज वाले ऐसे लाखों लोग हैं जो मुंबई लोकल ट्रेन में अनुमति नहीं कर पा रहे हैं। उनका लगातार मांग है कि जब कोरोना बिल्कुल कम हो गया है केसेस, तो अब मुंबई लोकल ट्रेन में बिना शर्तों की अनुमति दी जाए। वहीं दोस्तों, उनकी मांग है कि सिंगल डोज वाले को भी दो डोज वाले की तरह अनुमति देनी चाहिए। लिहाजा सिंगल डोज वाले को अनुमति न मिलने की वजह से मजबूरन में बिना टिकट लोकल ट्रेन में यात्रा करना पड़ रहा है, फाइन भरना पड़ रहा है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को इंटरव्यू के लिए जाना है, किसी को जरूरी काम से जाना है। टिकट न मिलने की वजह से आए दिन टिकट खिड़की पर विवाद देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों, आम जनता की लगातार मांग है कि बिना शर्तों के लोकल ट्रेन में अनुमति दी जाए। ये थी दोस्तों मुंबई लोकल ट्रेन की अब तक की ताज़ा खबरें। ऐसे ही महाराष्ट्र, मुंबई और मुंबई लोकल ट्रेन की सभी लेटेस्ट खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।